कासगंज में श्रावण मास कावड़ यात्रा को लेकर के डीएमएसपी ने किया लहरा गंगा घाट का निरीक्षण। डीएमएसपी के द्वारा कचला घाट से हाथरस बॉर्डर तक कावड़ रूट का भ्रमण किया गया। आगामी श्रावण माह में पड़ने वाले सोमवार व शिवरात्रि को लेकर के अधीनस्थों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी व एसपी ने कावड़ रूट का भ्रमण कर संबंधित को दिए दिशा निर्देश। डीएमएसपी ने सीसीटीवी कैमरा खोया पाया गया, जिसमें कि कैश केंद्र, शौचालय, प्रकाश, संपूर्ण व्यवस्था आदि को किया चेक। डीएमएसपी ने बिजली के पोल, पॉलिथिन बाइडिंग, रोड किनारे लगे ट्रांसफार्मर, बैरिकेडिंग, साफ सफाई, कावड़ियों को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यातायात संबंधी व्यवस्थाओं हेतु यातायात प्रभारी को दिशा निर्देश। कावड़ मेला स्टार्ट होने वाला है, बहुत भारी संख्या में अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं, इसको लेके क्या व्यवस्था की है? अभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और प्रयास ये रहेगा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। शौचालय की इस बार संख्या बढ़ाई गई है और साथ में चेंजिंग रूम्स की भी संख्या बढ़ाई गई है। डस्टबिन रहेंगे निरंतर, मे आई हेल्प यू डेस्क भी लगेगी, साथ में जो लाइटिंग की व्यवस्था है उसको बढ़ा रहे हैं और साइनेजेस रही लगा दी गई हैं, बल्लियाँ भी लग गई हैं, जैसे कि इसके आगे खतरा है इस प्रकार की वार्निंग्स भी रहेंगी, वॉच टावर्स भी बन रहे हैं। निरंतर हम सभी ऑन ड्यूटी रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है मेडिकल टीम रहेगी, एम्बुलेंस रहेगी, कुछ भी होगा हम लोग सब सहयोग के लिए हैं। मैं कहीं जाए आप गोताखोरों की क्या व्यवस्था की है? पहले तो PSC के कैंप भी आया करते थे। गोताखोरों की यहाँ पे व्यवस्था है, हमारे पास बोट्स भी हैं, गोताखोर भी हैं, उनकी एक ट्रेनिंग भी हम लोग रखने जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो हम लोग सब निरंतर रहेंगे। मैम कहा जाए रोड की जो व्यवस्था है, 2.5 किलोमीटर का रोड है, ऊबड़ खाबड़ रोड पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तीर्थयात्री के लिए परेशानी का सबक बन सकती है। रोड पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ शहर में गड्ढे हैं उधर गड्ढा मुक्ति के लिए लगे हुए हैं, साथ में बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डाइवर्जन का भी काम चल रहा है एंड साथ में प्रयास रहेगा कि पीए सिस्टम भी रहे, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो उसके लिए थाने और चौकियों के पास हर जगह एक मे आई हेल्प यू डेस्क बनाई जा रही है, उस पर लोकल जो एक्सियन हाइडल जो भी हाइडल डिपार्टमेंट के रहेंगे वो रहेंगे, स्वास्थ्य टीम के लोग रहेंगे और राजस्व, साथ में नोडल अधिकारी और पुलिस फोर्स भी रहेगी, तो कुछ भी प्रकार की अगर असुविधा होती है उसके लिए हम लोग हैं। थैंक यू।